हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे से रिलेटेड 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी भारतीय रेलवे से रिलेटेड 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये है इसका पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन ए मॉस्को में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, ऑप्शन डी टोरंटो में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोरखपुर में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है वह रेल सेवा से वंचित है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय चीन देश को प्राप्त है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। ऑप्शन ए बेलगाम को, ऑप्शन बी मड़गांव को, ऑप्शन सी रत्नागिरी को, ऑप्शन डी उडुपी को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेलगाम को। कोंकण रेल मार्ग बेलगाम को नहीं जोड़ता है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई? ऑप्शन ए सियालदह नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई और हावड़ा के बीच, ऑप्शन सी बंगलुरु और हावड़ा के बीच, ऑप्शन डी चेन्नई और नई दिल्ली के बीच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सियालदह और नई दिल्ली के बीच। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ऑप्शन ए ननुंजन दप्पा समिति, ऑप्शन बी रेखी समिति, ऑप्शन सी राकेश मोहन समिति, ऑप्शन डी सरकारिया समिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ननुंजन दप्पा समिति। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।